करते हुए पंजाब पुलिस की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई पर शर्मनाक यलगार। मरियम नवाज और राना सनाउल्ला के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए थाना रेस कोर्स में दरखास्त दे दी गई है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान भी मुकदमे में बतौर मुलजिम नामजद किए गए हैं। मुकदमे की दरखास्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाइशगाह के केयर टेकर अवैस अहमद की जानिब से दी गई है। मोइन जुबैर से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। मोइन अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इमरान खान की रिहाइशगाह पर जो हमला किया गया उस ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन में मुलव्वस जो पुलिस अफसरान हैं और इसी तरह मरियम नवाज और राना सनाउल्ला उनके खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए थाना रेस कोर्स में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। दरख्वास्त जो है वो केयर टेकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के केयर टेकर अवैस अहमद की जानिब से दायर की गई है। इस दरख्वास्त में सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक अमियाना, डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर, एसएसपी ऑपरेशन, इसके अलावा दीगर जो पुलिस अफसरान हैं उनको भी नामजद किया गया है। साथ साथ इस मुकदमे इस दरख्वास्त में निगरान वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान को भी मुकदमे में नामजद किया गया है और ये मुकदमे की जो दरख्वास्त है इस वक्त थाना रेस कोर्स में दायर कर दी गई है। मोइन आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। ये थी बोल ताजा तरीन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे तब्दीली। हमारे साथ रहिएगा।